दोस्तों इस वीडियो में ड्रीम इलेवन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों ड्रीम इलेवन पे साइन अप कैसे करेंगे, यानी दोस्तों आप इस पे अकाउंट कैसे बनाएंगे, और अकाउंट बना लेने के बाद दोस्तों आप इसमें टीम कैसे लगाएंगे, और टीम लगाने के बाद दोस्तों आप इसमें कैसे पैसा विनिंग करेंगे, तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने ड्रीम इलेवन पे बिल्कुल नए हैं तो सिंपली दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद दोस्तों आप ड्रीम इलेवन बहुत ही आसानी से खेल पाएंगे, और ड्रीम इलेवन खेल के आप बहुत ही आसानी से पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन खेलने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे और ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहां ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर लेंगे, इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से होम स्क्रीन देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर। अगर दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करके अपना ड्रीम इलेवन पे अकाउंट बनाते हैं तो फिर दोस्तों आपको एक भी रुपये का कैश बोनस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कैश बोनस पाने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इनवाइट बाय ए फ्रेंड, इंटर कोड आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऊपर इनवाइट कोड डाल दीजिएगा। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इनवाइट कोड देखने को मिल जाएगा, तो उस इनवाइट कोड को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। दोस्तों इनवाइट कोड डालने से आपका ये फायदा होगा कि ड्रीम इलेवन में जितना भी ऑफर चल रहा होगा कैश बोनस का, उतना रुपया आपको कैश बोनस मिल जाएगा, और उस कैश बोनस से आप ड्रीम इलेवन पे टीम लगा के आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे इनवाइट कोड डाल दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक इनवाइट कोड मिलेगा, उस इनवाइट कोड को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहां पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। दोस्तों आप जिस भी नंबर से ड्रीम इलेवन को चालू करना चाहते हैं वो नंबर आप यहां पे डाल दीजिएगा। इसके बाद तो आप यहां रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहां रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को आप वहाँ पर डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे, इसके बाद तो आपके सामने कुछ इस तरह से होम स्क्रीन देखने को मिलेगा ड्रीम इलेवन का। इसके बाद तो यहाँ पे आप ऊपर मेनू बार में देख सकते हैं, जितना भी गेम यहाँ पे चल रहा होगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ ड्रीम इलेवन में यहाँ पे क्रिकेट में भी टीम लगा सकते हैं, कबड्डी में भी टीम लगा सकते हैं, फुटबॉल में भी टीम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जिसमें आपको ज्यादा नॉलेज होगा वही मैच आप यहाँ पे खेलिएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे क्रिकेट में ज्यादा नॉलेज है तो आप यहाँ क्रिकेट पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और अपकमिंग मैच में जितना भी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये मैच यहाँ पे 21 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और ये मैच भी यहाँ पे 21 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे और ये मैच यहाँ पे 41 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो जिस भी मैच में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा उस मैच में आप टीम लगाइएगा, तभी दोस्तों आप यहाँ पैसा को अर्न कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको नॉलेज नहीं होगा टीम लगाने का, यानी दोस्तों आपको प्लेयर के बारे में पता नहीं होगा, तो फिर आप ऐसे ही कोई भी टीम लगा दीजिएगा, तो फिर दोस्तों आपका वहाँ पर विनिंग का चांसेस बहुत कम रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको नॉलेज ज़्यादा होगा, उस टीम के बारे में आपको पता होगा कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है, तो आप दोस्तों उसमें आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो फिर दोस्तों आपका विनिंग के चांसेस यहाँ पे 90 से 95% तक रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी मैच में टीम लगाना होगा तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये मैच किससे हो रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा KET वर्सेस यहाँ पे LAN से हो रहा है। तो अगर दोस्तों इसमें आपको टीम लगाना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका यहाँ पे लाइनअप्स आउट हो चुका है, लेकिन दोस्तों ये मैच का यहाँ पे अभी तक लाइनअप्स आउट नहीं हुआ है। तो दोस्तों लाइनअप्स आउट यहाँ पे कोई मैच का आधे घंटा पहले हो जाता है, और कोई मैच का यहाँ पे 10 या 15 मिनट का पहले लाइनअप्स आउट हो जाता है, जिसमें दोस्तों आपको पता चल जाता है कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। दोस्तों कोई भी कॉन्टेस्ट में जुड़ जाने के बाद मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले या फिर 15 मिनट पहले आप यहाँ पे ड्रीम इलेवन को ओपन करके आप यहाँ लाइनअप्स चेक कर लीजिएगा कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। अगर दोस्तों आपने जो प्लेयर को सिलेक्ट किए हैं और वो प्लेयर नहीं खेल रहा है, और आपने उस प्लेयर को अपने टीम में रखे होंगे, तो फिर दोस्तों उसका आपका पॉइंट नहीं मिलेगा और आप यहाँ पे हार जाइएगा। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन सा प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपको इसमें मैच लगाना होगा तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जितना भी कॉन्टेस्ट होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे दोस्तों अगर आप इस कॉन्टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 39 रुपये एंट्री फी लगने वाला है। अगर दोस्तों मेरा इनवाइट कोड आप
आप यूज किए होंगे तो आपको यहाँ पे 39 रुपया नहीं देना होगा, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे आपको 14 रुपया देना होगा। दोस्तों 25 रुपया आपके कैश बोनस से काट लिया जाएगा और 14 रुपया आपके ड्रीम इलेवन अकाउंट में होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक टीम बनाना होगा, तो टीम बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट टीम, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 11 प्लेयर सेलेक्ट करना होगा। तो प्लेयर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 100 क्रेडिट दिया गया है और एक प्लेयर का कितना क्रेडिट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप इस प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इस प्लेयर का क्रेडिट है यहाँ पे 9, तो यहाँ से आपका 9 माइनस हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से 100 क्रेडिट में से ही यहाँ पे आपको प्लेयर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रीन देखने को मिला है अनाउंस, तो यहाँ पे ये प्लेयर खेल रहा है। और जितना में यहाँ पे आपको लाल देखने को मिल रहा है, ये प्लेयर यहाँ पे अभी इस मैच में नहीं खेल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे विकेट कीपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे विकेट कीपर को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी प्लेयर आपको लगता है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से कम एक विकेट कीपर और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ 4 विकेट कीपर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 विकेट कीपर सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे मेरा 2 प्लेयर हो चुका है। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों टीम को मिला के टोटल प्लेयर यहाँ पे 22 प्लेयर होता है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन में दोनों टीम को मिला के यहाँ पे टोटल 11 प्लेयर ही सेलेक्ट करना होगा। तो आप यहां पे सबसे पहले विकेट कीपर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहां बैट्समैन पे क्लिक कीजिएगा। बैट्समैन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पे देखते हैं आप यहां बैट्समैन कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहां 6 बैट्समैन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से मैं अपना बैट्समैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी दोस्तों आपको लगे कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस टीम से मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया हूँ और इस टीम से मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद तो आप यहाँ ऑल राउंडर पे क्लिक कीजिएगा। ऑल राउंडर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑल राउंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आप ऑल राउंडर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से मैं 2 ऑल राउंडर सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ से मैं इस टीम से 3 सेलेक्ट किया हूँ और इस टीम से मैं 5 सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों टोटल 8 प्लेयर सेलेक्ट कर चुका हूँ। इसके बाद तो आप यहाँ बॉलर पर क्लिक कीजिएगा। बॉलर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे बॉलर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको लगता है कि वो बॉलर अच्छा विकेट लेगा उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। यहां पे मैं 3 बॉलर सेलेक्ट कर लिया हूं। यहां पे टोटल प्लेयर मैं यहां पे 11 सेलेक्ट कर चुका हूं, जिसमें से दोस्तों इस टीम से मैं 4 सेलेक्ट किया हूं और इस टीम से मैं 7 प्लेयर सेलेक्ट किया हूं। इसके बाद तो सिंपली आप यहां नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिस भी प्लेयर को आप कैप्टन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप इस प्लेयर को कैप्टन सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और दोस्तों ये जितना भी पॉइंट देगा उससे आपको डबल मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ऊपर ही मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये प्लेयर इस मैच में 100 पॉइंट देता है तो आपको यहाँ पे 200 पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक कैप्टन है। इसके बाद तो आपको यहाँ से एक वॉइस कैप्टन भी सिलेक्ट करना होगा, तो जो भी प्लेयर को आप वॉइस कैप्टन रखना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे इस प्लेयर को वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लिया हूँ। ये प्लेयर जितना भी पॉइंट देगा उससे मुझे यहाँ पे 1.5 गुना ज़्यादा दिया जाएगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर ये प्लेयर 100 पॉइंट देता है तो मुझे यहाँ पे 150 पॉइंट दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरा ये वॉइस कैप्टन है। तो दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से कैप्टन और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद तो आप यहाँ नीचे सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे एक टीम बन चुका है, जो कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं माई टीम, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ माई टीम पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे टीम देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद तो आपका यहाँ पे टीम का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे कितना विकेट कीपर सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितना बैट्समैन सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कितना ऑलराउंडर सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और कितना बॉलर सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और कौन सा प्लेयर आपका यहाँ पे कैप्टन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कौन सा वॉइस कैप्टन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस प्लेयर में से कोई भी आपको डाउट लगता है और आप उसको हटाना चाहते हैं, तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ ऊपर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए इस प्लेयर को हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जिस भी प्लेयर को आप रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तो आप यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और कैप्टन और वॉइस कैप्टन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक कर देंगे, आपका यहाँ पे टीम चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मैं यहाँ पे विकेट कीपर को एक हटाया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा बाकी का टीम सब वैसा ही है। तो आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद तो आप यहाँ पे बैक आएंगे। अब दोस्तों आपको एक कॉन्टेस्ट में भाग लेना होगा, तो कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा।
वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, और जिस भी कॉन्टेस्ट में आप भाग लेना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेस्ट दिया गया है, तो जो भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना होगा सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको जितना भी कैश बोनस मिलेगा यहाँ पे आपके कैश बोनस से पैसा ले लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ज्वाइन कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप कॉन्टेस्ट से ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं मैं इस कॉन्टेस्ट से भाग ले चुका हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ लीडर बोर्ड में आ जाएंगे। आपका यहाँ पे टीम ऊपर देखने को मिलेगा और बाकी लोगों का जितना भी टीम होगा नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मैच कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस टीम से जितना भी पैसा विनिंग किए होंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और कितना नंबर आपका रैंक आया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद तो आप यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद दोस्तों आप जो भी पैसा को विनिंग करेंगे यहाँ पे आपको वॉलेट में देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे टोटल बैलेंस देखने को मिलेगा और कितना आप पैसा विनिंग किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जितना भी पैसा आप विनिंग करेंगे अगर आप उस पैसा को अपने खाता में विड्रॉल करना चाहते हैं तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ माई बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों ड्रीम इलेवन से पैसा विड्रॉल करने के लिए आपको KYC करना होगा। तो KYC करने के लिए आप यहाँ KYC डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे, ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, पैन कार्ड आप इसमें अटैच करेंगे और बैंक अकाउंट आप इसमें अटैच करके वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ KYC कंप्लीट कर लेते हैं इसके बाद ही दोस्तों आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। तो विड्रॉल करने के लिए आप यहाँ विड्रॉल इंस्टेंटली पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे बैंक का नाम देखने को मिलेगा और आपका अकाउंट नंबर का लास्ट का 4 डिजिट देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आप जितना भी पैसा को विड्रॉल करना चाहते हैं आप यहां पैसा डालेंगे। आप यहां पे मिनिमम 50 रुपया और मैक्सिमम आप 1 करोड़ रुपया पर डे विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहां पे आप पैसा डाल देंगे। पैसा डालने के बाद दोस्तों आप यहां विड्रॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। विड्रॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा और 2 से 3 घंटा के अंदर आपके पैसा अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से बहुत ही आसानी से आप ड्रीम इलेवन पे नया अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बना के आप टीम लगा के बहुत ही आसानी से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग कमेंट में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।